नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय थापा फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ इस हफ्ते। दोस्तों आज शनिवार का दिन है और बैंगलोर में बहुत अच्छा सुहाना मौसम है। देखिए इससे ही पता चल जाता है बैंगलोर में सुबह और शाम दोनों वक्त बारिश हो रही है। थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलना डाउन हो गया बारिश के मौसम से। आई एम श्योर पूरे इंडिया में ये हो रहा है, सब लोग आप अपने घर में बंधे हुए हो, बाहर नहीं जा रहे हो। सो दोस्तों ये कहते हुए आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक नया पार्सल मिला है मुझे अपने बहुत दिनों के बाद फ्रॉम 77 स्पोर्ट्स। दोस्तों ये एक ऐसा स्पोर्ट्स शॉप है, मैन्युफैक्चरर है, जो ना तो मेरठ में है, ना तो जलंधर में है और ना तो कश्मीर में है। जनरली आप मोस्ट ऑफ द बैट्स जो भी बनते हैं मेरठ में बनते हैं या जलंधर में या कश्मीर में। ये थोड़ा हटके है, ये महाराष्ट्र में है, जलगांव में है, वहां से आया हुआ है और इनके प्रोडक्ट्स बहुत बहुत फेमस है। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो मैंने ये एक बैट मंगाया, कौन सा बैट है क्या है मैं आपको ये अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, जरूर देखिए। दोस्तों मेरा फेवरेट कटर फिर से काटने के लिए सेफ्टी मेजर्स जरूर अपनाइएगा ताकि आपको हाथ ना कटे, आपके हाथ ना कटे, कुछ ऐसा ना हो। तो दोस्तों जरूर ध्यान से काटिएगा ताकि आपका बैट भी अंदर से कुछ प्रॉब्लम ना हो। प्रेजेंटेशन मैटर्स गाइस, मुझे इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा इन्होंने जब भेजा। देखिए इनका ये जरा कैमरा में दिखा, ये प्रतीक जैन, प्रतीक सर जो है इनके डायरेक्टर है, जो मैनेज करते हैं बिजनेस को, उनके दो फोन नंबर है और उनका ईमेल एड्रेस है। ये बहुत अच्छी तरह से भेजा है इन्होंने, द प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट गाइस। और इसके बाद ये खोला मैंने और ये खोलने के बाद अंदर देखिए दोस्तों, ओहो एकदम बबल रैप किया गया है, एकदम एकदम बेस्ट वे में इन्होंने पैकिंग किया गया है। देखिए गाइस प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, बहुत मैटर करता है। और मैं ये आराम से इसको काटता हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ। अच्छा एक दो मिनट में तो हम इसको निकालने भी लग जाएगा शायद। और दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग ऑलरेडी 77 स्पोर्ट्स के बैट्स के यूजर्स हैं तो अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा फील है खेलने के बाद, आपका क्या ओपिनियन है ये जरूर बताइएगा वीडियो में। ये देखिए दोस्तों ये इनका हो गया बबल रैप, मैं निकाल रहा हूँ। मैंने इनसे प्रो प्लेयर एडिशन बैट मंगाया था और मैं देखना चाहता हूँ जरूर, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में इसको जानना चाहता हूँ कि इनका एक्चुअल बैट कैसा होता है। बहुत सुना है मैंने इनका नाम और दोस्तों मेरे जो व्यूअर्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने भी बताया था कि इस बैट का रिव्यू कीजिए करके। मैं आप लोगों का कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, उसका रिस्पॉन्स भी देता रहता हूँ। तो उसके बाद मुझे जब ये पता चला कि आप लोगों को 77 स्पोर्ट्स बैट का रिव्यू करना है तो मैंने जब से उनसे बात की और ये बैट मंगाया। तो मंगाने के बाद मुझे ये बैट भेजा गया और दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 7 दिन लगे मुझे ये बैट मिलने में। ये रहा इसका फर्स्ट हैंड लुक। अभी मैं इसको कवर से बाहर निकाल रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको मैं फर्स्ट हैंड लुक दे सकूँ। दोस्तों ये रहा इसका फर्स्ट हैंड लुक, प्रो प्लेयर एडिशन बैट फर्स्ट हैंड लुक देख लीजिए। मैंने इसको गटिंग और टो गार्ड दोनों करवाया था। इसका फ्रंट प्रोफाइल है, ये फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए, क्या वंडरफुल स्टिकरिंग भेजा है इन्होंने, वन ऑफ द बेस्ट स्टिकरिंग। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल हो गया और इसका साइड प्रोफाइल हो गया देखिए दोस्तों, और इसका बैक स्कूप प्रोफाइल है। दोस्तों जरा इस स्कूप प्रोफाइल को गौर कीजिए और नोटिस कीजिए, दूसरे बैटों की तरह ये स्कूप नहीं है जिसका पूरा एक खांचा ऐसा हो जाता है। इनका स्कूप थोड़ा अलग सा ही है, इनका स्कूप स्क्वायर स्कूप है, उसके बाद और कोई खांचे नहीं है, सिर्फ स्क्वायर स्कूप है जो एकदम यूनिक और डिफरेंट है। और ये देखिए इसका फिर से साइड प्रोफाइल। दोस्तों प्रो प्लेयर बैट है तो मैंने इनको इनके लिए गटिंग बताया था, गटिंग किया इन्होंने, 3 गटिंग किया, हैंडल के पास 2 प्रोटेक्शन और बॉटम के पास, जो मजबूती पकड़ है। और ये देखिए दोस्तों इनका ये टो गार्ड बनाया हुआ है।
दोस्तों मैं आपको इनके कटिंग और दूसरे बाइक मैन्युफैक्चरर के कटिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है कैसे मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये वाला कटिंग देखिए, ये वाला कटिंग देखिए, ये वाला कटिंग देखिए, यहाँ पे बैट के अंदर कितना गड़ गया है, मतलब यू नो बैट को ऐसे ही खींच के अंदर ले गए हैं इन लोगों ने। नॉर्मली दूसरे लोगों के कटिंग पे देखोगे तो जैसे धागा जैसे बैठ दिए होते तो मतलब अंदर नहीं गया था, कभी भी निकल जाता है, लेकिन इनका कटिंग इतना मजबूत है यहाँ पे कि यू नो पूरा अंदर जड़ गया है। दोस्तों ये रहा फर्स्ट फील, और आपको दिखा दूं कि इनके बैक का ये केन हैंडल है, सिंगल पीस केन हैंडल है, ये देखिए। और इनका जो ग्रिप दिया गया है ये प्रीमियम ग्रिप है, एकदम फर्स्ट क्लास रिप वाला ग्रिप है, प्रीमियम ग्रिप है। और इनकी कारीगरी दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये होता है कारीगरी की असली पहचान। आप देखो यहाँ पे इन्होंने ना तो कोई यू नो टेप लगाया है, आपको ये जरूर दिखता है ये एडजस्ट, यू नो इससे पता चलता है कि इनका कारीगरी कैसा है, मतलब थोड़ा भी गैप नहीं, मतलब एकदम मेड टू परफेक्शन है। यहाँ पे भी साइड में देख लीजिए, पूरा मेड टू परफेक्शन है, तो आपको पता चल जाता है। दोस्तों एक चीज इसमें बताना चाहता हूँ कि यू नो क्वालिटी ऑफ जेन्युइनिटी जो है ना वो है इनका, ये यूनिक लोगो क्वालिटी कंट्रोल करके ये जो है ना इनका ये क्वालिटी कंट्रोल है। ये सील आप देख कर ही लीजिएगा, यू नो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फेक बैट्स आ रहे हैं 77 के नाम पे, हो किसी भी जानी पहचानी ब्रांड वालों के, लेकिन उनका जो ओरिजिनलिटी ऑफ सील है वो देख कर ही आप खरीदिएगा। दोस्तों ये रहा, और जो ये बैट है ना कर्व है, मतलब इनका पंच किया गया है, यू नो ऐसा जब फ्लैट नहीं, इनका थोड़ा सा ऐसा कर्व है, यहाँ पे भी देखो ऐसा कर्व है, तो इसके वजह से बैट यू नो हाथ में आ गया, इतना कंफर्टेबल है मेरे को, इतना कंफर्टेबल है। जैसे मैंने बताया कि मैं लंबे बैटों से खेलना पसंद करता हूँ, ये 35 इंचेस का बैट है, उसके ऊपर कटिंग किया गया है, उसके ऊपर टो गार्ड लगाया है, सिंगल पीस केन हैंडल है, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो जैसे मैंने बताया था कि यू नो केन हैंडल होने का असली सबूत यही है कि यहाँ पे जब आप खेलोगे थोड़ा हिलेगा, थोड़ा लचकेगा, तो मतलब जब भी आप बॉल से खेलोगे ना तो इम्पैक्ट जब भी बैट पे होगा तो वो इम्पैक्ट ऑब्जर्व कर लेगा, ये वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व कर लेता है। बहुत सही में हाथ में ऐसा लगता है कि यू नो मैं महाराणा प्रताप का कोई तलवार लेके बैठा हूँ या शिवाजी महाराज का तलवार लेके हाथ में यू नो खेलने जा रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे कभी नहीं आया था। दोस्तों एक वन ऑफ द बेस्ट बैट्स जो मैंने रिव्यू किया है मैं बोल सकता हूँ, एकदम कड़क बैट है ये। दोस्तों थोड़ा इसका फ्रंट प्रोफाइल पे देख लीजिए, इनके ग्रेन्स देख लीजिए, प्योर कश्मीर विलो है, A1 ग्रेड का बैट है, और इन्होंने सेलेक्ट विलो है, ये प्रो प्लेयर एडिशन है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। अभी तो टैपिंग भी नहीं किए दोस्तों, इनका यू नो एकदम सही वाला यू नो फील आ रहा है मुझे। दोस्तों एक चीज आपको एजुकेशन के तौर पे बताना चाहता हूँ, लोग बहुत सारे पूछते हैं कि मुझे हल्का वाला बैट चाहिए, हल्का वाला बैट चाहिए। दोस्तों हल्का वाला बैट तो अच्छा है, लेकिन आपको हाथ में वेट नहीं लगेगा, मारूंगा ऐसा सोचोगे, लेकिन वो जिस बॉल से आप खेलते हो उसके हिसाब से हमेशा बैट होता है। जैसे कि आप हल्के वाले बैट से खेलते हो, बॉल से खेलते हो, तो हल्का वाला बैट चाहिए आपको। अगर आप थोड़ा सा यू नो भारी वाले बॉल से खेलते हो तो आपको भारी बॉल बैट चाहिए, नहीं तो आपको क्या होगा, हल्के वाले बैट से खेलोगे, एक दो शॉट मारोगे, बैट टूट जाएगा, ऐसा सब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो दोस्तों अपना बैट सही चुनो, बस हल्के पे मत जाओ, सही चुनो, और ये जो बैट है सही बैट है, इससे आप हल्का वाला बॉल खेल सकते हो, इसके हैवी बैट खेल सकते हो, एकदम मस्त है। ओके तो आइए दोस्तों मैं आपको इसका वजन दिखाना चाहता हूँ, और दिखाने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ दोस्तों कि यू नो इस बैट में प्रीमियम ग्रिप लगाया मैंने पिछले वीडियोस में, अगर आप देखोगे तो यू नो 40 से 60 ग्राम तक हो जाता है ग्रिप का वजन, और इसका जो गटिंग और टू गार्ड के उसका एक 20-30 ग्राम एडिशनल हो जाता है, तो आप इसके वेट पे मत जाओ। ये देखिए दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी इस बैट का वेट है 1121, मतलब इसमें से 50 से 60 ग्राम गिप्स का हो गया, और इसका यू नो 20 से 30 ग्राम टो गार्ड और गटिंग का हो गया, ये सब निकालोगे तो ऑलमोस्ट 80 ग्राम इसमें कम हो जाता है, विच इज 80 ग्राम मतलब 1 किलो 50 ग्राम ऐसा कुछ आपके आसपास आ जाता है ये बैट। और दोस्तों ये बना है यू नो हार्ड टेनिस के लिए और आपके सॉफ्ट टेनिस सब के लिए, सो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, यू नो आपको एक चीज है, और हैंडल भी इतना यू नो मजबूत का है कि यू नो हाथ में पकड़ने से पूरा हाथ भर जाता है। देखिए हाथ भर, थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि हाथ इतना उनका यू नो हैंडल मोटा होता है, लेकिन ये हाथ भर जाता है।
दोस्तों ये रहा इसका प्रोफाइल, ये देखिए दोस्तों एकदम कड़क वाला प्रोफाइल। सो दोस्तों पिछली बार आपने मेरे वीडियो में मैंने बड़ा वाला टेप यूज किया, तो आपने फीडबैक दिया कि आप मेटल टेप यूज करें ताकि आपको देखने में आसान हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको हाइट दिखाना चाहता हूँ इस बैट का। दोस्तों ये देखिए 35 इंच का बैट है ये फ्रॉम द बॉटम। इसका ब्लेड की लंबाई दिखाना चाहता हूँ मैं, देख लीजिए दोस्तों फ्रॉम द बॉटम। एक मिनट दोस्तों, नया टेप है तो थोड़ा मेरी बात नहीं मान रहा। सो ऑलमोस्ट 25 इंचेस है। और इसका हैंडल देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 10 इंचेस है, मतलब 10.5 इंचेस है। सो पूरा ये बैट का हाइट है 35 इंचेस हाइट है। और इसका ब्लेड देखिए दोस्तों, एकदम कड़क वाला ब्लेड है, 4.5 इंचेस एकदम पक्का। इसका साइड ब्लेड देखिए दोस्तों, विच इज ऑलमोस्ट 2 इंचेस, विच इज 50 mm। ये डबल ब्लेड अपर सेमी ब्लेड है, एकदम कड़क वाला। और इसका बॉटम भी देखिए दोस्तों, एकदम बड़ा 1.3 इंचेस और 24 इंचेस का है, मतलब एकदम सॉलिड वाला है। मैं महाराष्ट्र के मैचेस देखता रहता हूँ यूट्यूब पे और सुनता रहता हूँ उनका, दो एक चौकार और एक षटकार। आप जब भी चौकार और षटकार लगाओगे, ये वाला बैट आपके हाथ में मस्त लगेगा चौकार और षटकार के लिए। और दोस्तों देखते देखते थोड़ा मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे थोड़ा गांठ जैसा है। इससे तो कुछ भी नहीं होता दोस्तों, अगर आप बैट ले रहे हो तो, अगर आपके पास ऐसा वाला बैट आ गया हो तो इससे कुछ परफॉर्मेंस में अच्छा प्रॉब्लम नहीं होता। ये गांठ ऐसा चीज़ है जो पेड़ में नेचुरली बनता है, और दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री। सो ये मेरा राय है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट हैंड इंप्रेशन दोस्तों, जो पैकेट से बाहर निकाला ये एकदम सॉलिड वाला है। दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ आपके पास, तीन चार बॉल दिखा देता हूँ कि आपको पता चले कि मैं कौन से बॉल से टैपिंग कर रहा हूँ। दोस्तों ये मेरे पास विकी येलो बॉल है जो 80 से 90 ग्राम तक वेट होता है इसका। ये देखिए दोस्तों, ये 83 ग्राम्स का है। और इसके बाद ये विकी रेड कलर है जो हैवी बॉल है विकी में, उसमें 120 टू 130 ग्राम्स होता है। और जो मेरे नॉर्थ में दोस्त है निविया से खेलते, उन लोगों के लिए मैं दिखाना चाहता था कि कितना होता है। निविया देखिए 127 ग्राम्स का बॉल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये SG का लेदर बॉल है जो यूज बॉल है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, उसका वेट 158 ग्राम्स है। दोस्तों लेदर बॉल से कभी मत खेलिएगा, ये सभी टेनिस बॉल्स हैं। मैं सिर्फ टैपिंग के पर्पस इसका दम कैसा है दिखाने के लिए आपको टैपिंग करके दिखाता हूँ। 77 स्पोर्ट्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल अगर आप लेदर बॉल से खेलते हो और बैट टूट जाता है। ओके, ये रहा विकी बॉल दोस्तों। दोस्तों ये रहा इसका टैपिंग, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट बैट को लेके इसके नीचे रखो तो अपने आप टपा टप टपा टप ऊपर जाता है। और निविया से मैं इसको टैपिंग कर रहा हूं, ये देखो दोस्तों बिना मेहनत के कैसे ऊपर जा रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखिए ये विकी बॉल है दोस्तों, विकी बॉल से मैं करना चाहता हूँ इस पे टैपिंग। और ये देखिए क्या मस्त है दोस्तों, और ये रहा लेदर बॉल। अगेन फिर से बोलना चाहता हूँ, 77 स्पोर्ट्स विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल अगर आप लेदर बॉल से खेलो और कुछ हो जाता है। उस सॉलिड वाला पंच देखो दोस्तों, साउंड सुनो, साउंड सुनने से कानों में ऐसा लगता है कि एकदम मस्त है। ये देखिए दोस्तों, ये टैपिंग के बाद भी इसका फ्रंट पोर्शन कुछ भी नहीं होता दोस्तों। हाथ लगाने से पता चलता है कि द काइंड ऑफ प्रेसिंग इन्होंने जो किया है पता चल जाता है दोस्तों। ये देखिए इसका प्रोफाइलिंग, अपर सेमी ब्लेड है, एकदम मस्त है दोस्तों। एकदम जो खुशबू होता है ना नए बैट सूंघने का, मुझे पता नहीं आपको क्या है, लेकिन मैं तो बिना बेशरम की तरह
नया बैट सुनता हूँ एकदम, वो जो कड़क होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, जो यू नो बैट देखने से पता चलता है एकदम सॉलिड वाला बैट है दोस्तों। दोस्तों ये रहा यू नो इस बैट के बारे में जो मैंने आपको बताया। थोड़ी बहुत ऐसे चीजें मैं इस कंपनी के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि इंडिया में डोमिनेंट मार्केट्स यू नो कहाँ पे, जहाँ पे स्पोर्ट्स बूट्स बनते हैं वो है मीरठ, विच इज कॉल्ड एज स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज जलंधर एंड तीसरा है अपना कश्मीर। सो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वो तीनों जगह में नहीं है, ये महाराष्ट्र में जलगांव में, विच इज ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ क्रिकेट हब। आप देखते रहते हो तो बहुत सारे क्रिकेटर्स महाराष्ट्र से ऐसे आए हुए हैं, तो वन ऑफ द क्रिकेट हब। सो इसके इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये दिस इज वन ऑफ द प्रीमियम प्रोडक्ट्स फॉर दैट, लेकिन इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे बैट्स हैं, यू नो सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड, यू नो कश्मीर विलो, पॉपुलर, जो आपको चाहे वैसा बैट मिल जाएगा इनके पास। दोस्तों और एक चीज है, इनके पास सिर्फ बैट्स नहीं, एनीथिंग दैट यू दैट इज रिलेटेड टू क्रिकेट बैट, जैसे तो ग्रिपर हो गए, एनी एक्सेसरी, कुछ भी एक्सेसरीज, ग्रिपर्स हो गए, बॉल हो गए, और नेट्स हो गया, आपको इंडोर नेट्स बनाना है उसका नेट्स हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट इनके पास सब कुछ मिल जाएगा। दिस गाइज आर वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग, मतलब एक जगह आप किसी मॉल में जाओ, एक मॉल में सब कुछ मिलता है आपको, वैसे वैसे 77 स्पोर्ट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं और ये भी बताना चाहता हूँ, ये दीज आर द मैन्युफैक्चर कैरम बोर्ड्स, कि अगर आपकी कैरम बोर्ड्स की जरूरत हो होलसेल रिटेल में वो प्रोवाइड करते हैं आपको। और जिम इक्विपमेंट्स दोस्तों, जिम इक्विपमेंट्स इनका मैन्युफैक्चरिंग खुद का यूनिट है, ये जिम इक्विपमेंट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा मेरे पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में आप जो टी शर्ट देख रहे हो, ये देखो दोस्तों 77 स्पोर्ट्स का, ये आपको सब कुछ टी शर्ट, यू नो क्रिकेट के लिए नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स के लिए आपको इनका वेयर चाहिए, 77 स्पोर्ट्स या किसी के लिए भी ये जरूर आपको दे देंगे। तो आप इनके नंबर, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उनको हमेशा फोन करें या व्हाट्सएप करें। दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूँ, इनके पास दो नंबर होने के बावजूद दिन में 4 से 5 हजार मैसेज आते हैं और 500 से 600 फोन कॉल आते हैं। अगर आपका मैसेज इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया या फिर तो आपका फोन कॉल नहीं उठाया, आप चिंता ना करें, क्योंकि ये जरूर अपने कस्टमर को रिप्लाई बैक मैसेज करते हैं, उनके फोन उठाते हैं और स्पेसिफिकेशन लेते हैं। और एक चीज गाइस, यू नो 77 स्पोर्ट्स का ये है कि By August or September, इनका खुद का एक वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, जैसे एनी ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफ पोर्टफोलियोज, ताकि आप यू नो अपना बैग कस्टमाइज कर सके इन टर्म्स ऑफ योर हाइट, यू नो इन टर्म्स ऑफ योर विड्थ एंड वेट एंड थिंग्स लाइक दैट, और आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द गुड न्यूज गाइज। दोस्तों ये रहा मेरा रिव्यू अबाउट 77 स्पोर्ट्स का प्रो प्लेयर एडिशन बैट। दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया दे आर वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग। दोस्तों मेरे पैर तो एकदम झलक रहे आज, ना पता नहीं, ये देखो, सो दीज आर द वन ऑफ द शूज दैट आई गॉट फ्रॉम यू नो 77 स्पोर्ट्स। आप जूते भी मंगा सकते हो, दे आर वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग। अगर एक चीज अगर मेरे बस में होता और अगर आप मुझे पूछते कि मैं क्या चेंज कर सकता हूँ इन जूतों में, मैं इनका लेस जो है वो जरूर चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि उतना प्रीमियम क्वालिटी नहीं, ऑलरेडी धाका निकल रहा है ये। एक चीज इफ आई कैन आई वुड लव टू गो एंड चेंज दैट। दिस इज अबाउट यू नो 77 स्पोर्ट्स का प्रो प्लेयर एडिशन बैट। अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो इस बैट को या यू नो यूज करना चाहते हो, आपने अपने दोस्तों ने किसी ने खरीदा है इसको, तो आप जरूर मेरे कमेंट्स में बताइए आपका फीडबैक कि आपको कैसा लगा 77 स्पोर्ट्स का ये बैट, और यू नो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो दोस्तों ये कहते हुए अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे जरूर थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से, कि जो आप मुझे इतना सपोर्ट किए 3 महीना 1 हफ्ता हुआ है मेरे चैनल को लॉन्च हुए, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे व्यूज देखा। जनरली मैं किसी वीडियोस में अपने वीडियोस में ये नहीं बोलता कि मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि मुझे पता है जो भी व्यूअर्स आप हो, आप वेरी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तब आप जरूर यू नो बिन बताए आप करते हो। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो।